24 न्यूज एक्सप्रेस आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बैतूल नगर में निकली गुरु साहब बाबा की नगर ध्वज यात्रा, जिसमें आधा सैकड़े से अधिक श्रद्धालु सम्मिलित हुए। यह यात्रा में प्रमुख दयाराम यादव से मिली जानकारी के मुताबिक यह यात्रा नगर से होकर पैदल मलाजपुर जाएगी। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी श्री 1008 गुरु साहेब बाबा जी मलाजपुर स्थल पर निशान चढ़ाने पैदल यात्रा करते हुए सभी भजन मंडली सहित निशान लेकर श्री दयाराम जी यादव सदर से जाते हैं। उसमें अंकुरित परिवार शामिल हुए, भंडारा किया गया और प्रसादी वितरण कर लोगों ने प्रसादी का लाभ लिया। काफी उत्साह के साथ गुरु साहब बाबा का निशान ले जत्था निकला, जो कल मलाजपुर में बाबा की समाधि स्थल पर निशान चढ़ाया जाएगा। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है भाई? पुष पूर्णिमा की उपलक्ष्य में गुरु साहब दरबार में जो निशान झंडा वंदन होता है, उसको मैं बैतूल से पद यात्रा के तौर पे आज निकलूँगा। तो इसका रास्ते रास्ते पूजन पाठ चलता है। मेरा आज का विश्राम माथनी में रहता है और वहाँ पे पूजन पाठ रात भर भजन भक्ति चलती है। दूसरे दिन मैं 10 बजे वहाँ से भ्रमण पे फिर निकलूँगा, तो करीब समथिंग 2 बजे मैं मलाजपुर दरबार पहुँचूँगा और वहाँ पे हमारे गुरुजी महंत जी महाराज के द्वारा फिर ये निशान चढ़ाया जाएगा। कितने सालों से निकाला जा रहा है ये मेरा तीसरा साल है साहब, ये तीसरा साल है। और मैं एक पर से थोड़ा सा कमज़ोर था, बाबा साहेब की मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई कि मेरा पैर चलने योग हो गया। तो इसके उपलक्ष्य में ये मेरा तीसरा साल चल रहा है जो मैं पैदल यात्रा पे निकलता हूँ।